मैं इस वक्त परेशान होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी और मेरा दिमाग अभी तक अपनी सहेली के बातों में उलझा हुआ था। एक तरफ मेरी माँ थी और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं माँ को बचाऊँ या अपने प्यार को। उन दोनों में से किसी एक को ही मैं बचा सकती थी। मेरा मोबाइल मेरे हाथ में था और दूसरी तरफ मेरी सहेली मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। आधी रात तक मैं इसी के बारे में सोच रही थी और फिर एक फैसले पे पहुंच गई कि अगर मैंने अपनी माँ को खो दिया तो कभी भी खुद को शायद माफ़ नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने अपनी सहेली का नंबर मिला लिया था और उसे अपना फैसला सुना दिया था। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मुझे तुमसे ऐसी ही समझदारी की उम्मीद थी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें सौतेली नहीं अपनी बहन बना के ले जाऊंगी और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। और मुझे यकीन था कि वह जो कह रही थी वह बिल्कुल सच है, क्योंकि वह मेरी सहेली से ज़्यादा मेरी दीदी की तरह ही थी और मेरा हमेशा ही बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फ़ोन बंद करने के बाद मैं रो पड़ी थी। प्यार की कुर्बानी देना और अपने प्यार से दूर रहना आसान काम नहीं था, मगर अपनी माँ की वजह से मुझे ये कुर्बानी देनी ही पड़ी थी, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मैं जानती थी कि जब मोहन को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा। मैंने उसे धोखा दिया है और जानबूझकर किसी और के साथ शादी किया है, मगर हकीकत क्या थी ये तो मैं ही जानती थी या फिर मेरा भगवान जानता था। वह रात मैंने कांटों के ऊपर बसर की थी और मैं जानती थी कि आने वाली हर रात मेरे लिए ऐसी ही तपली की रात बनने वाली है। अपनी माँ और सहेली को खुशी देने के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी ही पड़ी थी। मोहन को तो कोई भी लड़की मिल सकती थी और किसी भी अच्छी लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकता था, मगर मेरी माँ को कुछ हो जाता और मैं उन्हें खो देती तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं करती। उनके बगैर मैं कैसे जी पाती, यही सोचते सोचते मैं सो गई थी। और फिर अगले दिन अपने माँ के बुलाने पर ही मेरी आँख खुली थी। आज भी उनकी तबीयत खराब थी और मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी। डॉक्टर ने चेक करके उन्हें कहा कि उनकी सेहत तो रोज दिन पर दिन खराब होती जा रही है। और जब मैं उन्हें वापस लेकर घर आई तो मेरी सहेली अपनी पति के साथ घर में मौजूद थी और उन दोनों ने मेरे फैसले को पसंद किया था। मेरी सहेली के पति जल्द ही मुझसे शादी करना चाहते थे और फिर मैंने उन दिल पे पत्थर रख के उनसे शादी के लिए हाँ कह दी थी। जब मेरी माँ को ये बात पता चली तो वह इस बात से दूर रहने को कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं और मोहन एक दूसरे को पसंद करते थे। तभी वह मेरे इस फैसले पर भी हैरान थी, मगर कोई भी मेरा यह फैसला बदल नहीं सका था और मुझे इस बात पे कोई पछतावा नहीं था कि मेरी माता की ज़िंदगी सबसे बड़ी थी। और जब ये बात मोहन को पता चली कि मैं उससे शादी नहीं कर रही हूँ बल्कि किसी और से कर रही हूँ, तो वह नाराज होकर वहाँ से चला गया था और उसका कहना था कि मैं उसके बिना खुश नहीं रह सकती हूँ। और ये बात तो मैं भी जानती थी कि मैं उसके बगैर खुश नहीं रह सकती थी। मैं उससे दूर रह कर भी उसे याद करने वाली थी। मैं इस वक्त अपने पति के कमरे में उनका इंतज़ार कर रही थी। मैं राखी के बारे में सोच रही थी कि उस कितना मुश्किल होगा कि अपने पति को खुद ही किसी और लड़की के हवाले करना। तभी कमरे में आकर उन्होंने लाइट ऑफ कर दी थी और मुझे कहने लगे कि मैं अपनी पत्नी की जगह किसी और का देना इतना आसान नहीं है, तुम भी इस बात को समझ जाओ और कपड़े बदल के इधर आ। और फिर जब मैं आपस आई तो हम दोनों के दरमियान सब कुछ हो चुक गया था जो आज की रात का और इस रिश्ते का तकाजा था। अब मैं पूरी तरह से उनकी हो गई थी और अब मेरे दिल में उनके लिए जगह भी बनने लगी थी। अगले दिन जब मैं उठी तो राखी सी नज़रें चुरा रही थी और मुझे उसे देखकर दुख का एहसास हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने उसके पति को छीना है। फिर मैंने ये सोचकर अपने ख्याल को चटक देती कि उसने खुद ही अपने पति से मेरा शादी करवाया है। और सुबह उठने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति ऑफिस जा चुके हैं और इस वक्त घर में मेरे जेठ और राखी मौजूद है। मैं राखी के साथ ही अपनी माँ से मिलने के लिए आ गई थी। मेरी माँ मुझसे नाराज़ थी और वो अभी तक ये बात नहीं जानती थी कि मैं आखिर ये ब्याह करने का फैसला क्यों किया था। उन्हें मोहन ने कहा था कि वह मुझे इस काम से दूर रखे, मगर जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वह मुझसे नाराज़ हो गए थे। और अगर उन्हें पता चल जाता कि मैंने ये फैसला क्यों किया है तो शायद उनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाती, लेकिन मैं उन्हें किसी भी किस्म के एहसास से नहीं रखना चाहती थी। और जब हम वापस आए तो सामने मेरा जेठ बैठा हुआ था और वह मुझे गहरी नज़र से देख रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा प्रेम मेरे लिए नज़र आ रहा था। ये देख के मैं घबरा गई थी, मुझे अपने जेठ से डर लगता था।
क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था और अभी तक इसी कारण उसका शादी नहीं हुआ था। उसे देख कर लड़कियाँ डर जाती थी। उसकी रुपया पैसा अभी उसे किसी काम नहीं आया था, क्योंकि ना उसका चेहरा ठीक हुआ था और ना ही कोई लड़की उसके पैसे की वजह से शादी करने के लिए आई थी। और वह अकेले ही जिंदगी गुजार रहा था और उसे हमेशा देखकर मुझे तरस आता था, लेकिन इस वक्त वह मुझे जिन नज़रों से देख रहा था वो मैं देख के डर गई। राखी काफ़ी देर से मेरे चेहरे को देखते रही और फिर कहने लगी कि तुम चंदन को देखकर डर क्यों जाती हो, वह बहुत अच्छा है। मैंने कहा पता नहीं क्यों, क्या इनकी चेहरा सारी जिंदगी ऐसा ही रहेगा। तो राखी उदास हो गई और कहने लगी कि इन लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन इसका इलाज मुमकिन नहीं हो सका है। बात तो ख़त्म हो गई थी और मैं सोचती थी कि राखी का दिल कितना बड़ा था कि उसने अपने पति को मेरे हवाले कर दिया था। क्या उसको औलाद की इतनी चाहत थी कि इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है। मेरे पति रोजाना कमरे में आने के बाद लाइट ऑफ कर दिया करते थे और उनका कहना था कि मैं राखी की जगह किसी और को कभी नहीं देख सकता, इसीलिए जब तक ऐसा चलता है चलने दो, जब तक मैं नॉर्मल नहीं हो जाता तुम ये सब बर्दाश्त कर लिया करो। मुझे भी इस बात पे कोई एतराज़ नहीं था। राखी की तबीयत भी कई दिनों से ख़राब थी। मैंने उससे कहा कि मैं चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। और फिर शाम को जब मेरे पति घर आए तो वह उनके साथ डॉक्टर के पास गई। ये देख के मुझे बहुत साहसी एहसास हुआ था और आज रात को मैं उसे देखने के लिए कमरे में आ गई। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था लेकिन अंदर से किसी की बातें करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं हैरान थी कि राखी के कमरे में ये मर्द कौन था, और मेरे पांव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। क्या राखी का किसी के साथ चक्कर चल रहा था? क्या राखी किसी और मर्द को पसंद करने लगी थी? क्या वह अपने पति का दूसरा विवाह करवा दिया था तभी उसने अपने पति को मेरे हवाले कर दिया था, वरना वैसा क्यों करती? और जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। फिर मैं सोचते हुए अपने कमरे में वापस आ गई कि राखी ऐसा कैसे कर सकती है, वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन जब भी अपने कमरे से बाहर निकलती तो राखी के कमरे से आवाज़ सुनाई देती थी और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसका सच में ही किसी के साथ चक्कर चल रहा था। और फिर जब मैं अपने पति को ये बात बताना चाह रही थी मगर राखी मेरी सहेली थी, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। मैंने सोचा कि राखी को समझाना चाहिए कि अपने पति को धोखा मत दो। उसके तबीयत ठीक होने के बजाय और ख़राब होती जा रही थी और उसे इस बात की कोई फिक्र भी नहीं थी। वह बहुत खाती पीती थी और जो भी खाती उससे उल्टी हो जाती थी, मगर वह इस बात को नॉर्मल अंदाज में ले रही थी जैसे कि कोई फिक्र की बात ही ना हो। मुझे बहुत परेशानी थी और मुझे पति हर रात मुझे ऐसे ही प्रेम जताता था जैसे कि उसे कोई राखी से ताल्लुक ही ना रखा हो। मैंने अपने पति को कहा था कि आपको राखी को भी टाइम देना चाहिए, आपको उसके कमरे में भी जाना चाहिए, मगर वह कहते कि इतने सालों से मैं उसी को तो वक्त दे रहा हूँ और हमारी नई नई शादी हुई है और हमें एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारना चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो जाती थी और फिर मैंने राखी से पूछा कि रात को तुम्हारे कमरे में कौन था, तुम किससे बातें कर रही हो, जानती हो अगर पति को पता चल गया तो क्या होगा। राखी के चेहरे का रंग बदल गया था और वह मुझसे कहने लगी कि यह बात किसी को भी मत बताना। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उससे कहने लगी कि मैं तो किसी को नहीं बताऊँगी, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हारे पति को पता चल गया होगा जानती हो क्या होगा, वह तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। रात को सोते हुए मैंने अजीब सा ख्वाब देखा था जिसे देखकर मैं डर गई थी। मैंने अपने पति की तरफ देखा तो वह सो रहा था। मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता था इसीलिए मैंने कमरे की लाइट ऑन कर दी और लाइट का ऑन करना ही था कि मेरे पति हड़बड़ा के उठ गए थे और जब मेरी उनके चेहरे पर नज़र पड़ी तो मैं बुरी तरह से चीख पड़ी थी, क्योंकि मेरे सामने मेरे पति का मैं छोटी सी थी जब मेरे पिताजी मर गए थे और मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था और उन्होंने मुझे बहुत ख्याल रखा था और मैं उनके लिए सबसे बढ़कर थी और मेरी खुशी से तो अच्छा उनके लिए कुछ भी नहीं लगता था और मैं भी उन्हें कुछ करने के लिए हर वह काम करती थी जो हम मुझसे कहती थी। मैं स्कूल में भी सबसे अच्छा नंबर लाती थी और मोहल्ले में भी किसी बच्चे से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी और ना ही कभी मेरी माता को मेरी शिकायत मिली थी। दिन यूं ही बीते जा रहे थे और अब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और एक कंपनी में नौकरी कर रही थी। मेरी माँ बूढ़ी हो गई थी और वह बीमार रहने लगी थी। मैं जब भी उनको डॉक्टर के पास ले कर जाने की बात करता
तो वह मुझे यह कह के टाल देती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दवा खाकर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ये सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो जाती थी और कहती कि जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा ठीक कैसे होइएगा। मगर मेरी माँ को ये बात समझ नहीं आती थी। और इन्हीं दिनों मेरी और मोहन की मुलाकात हुई थी। वो भी मेरी कंपनी में ही नौकरी करता था। वह एक गरीब लड़का था लेकिन वो मेरे साथ बहुत अच्छा से व्यवहार था और मेरा ख्याल रखता था, जिसके कारण मैं उसकी प्रेम में पड़ गई थी और हम दोनों का शादी करने का भी इरादा था। और वह भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा से व्यवहार करता था और हम दोनों एक साल तक बहुत अच्छा से समय गुजारा और हम दोनों ने सातों जन्म एक साथ गुजारने के वादे भी किए थे और मुझे यकीन था कि हम दोनों एक साथ हमेशा रहेंगे भी। मैंने अपने माँ को भी मोहन से मिलवाया था और उसे भी मोहन बहुत पसंद आया था और वह मुझे कहती थी कि तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। मैं भी जल्दी फैसला करना चाहती थी। और इन्हीं दिनों मेरी सहेली राखी जब भी आती थी तो बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। उसके शादी के 6 साल हो गए थे और जब भी मैं उसके उदासी के बारे में पूछती तो वह कहती कि अभी तक मेरे बच्चे नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे लोगों की बहुत सारे बातें सुनने को मिलती है। तब मैं उसे तसल्ली देती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान तुम्हें सब अदा करेगा जो तुम चाहती हो। एक दिन जब मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वह खून की उल्टियाँ कर रही थी तो ये सब देख के मैं बहुत बुरी तरह डर गई। तभी मैंने मोहन को फ़ोन करके घर पे बुलाया और उसके साथ मिल के मैं अपनी माँ को लेकर अस्पताल गई। फिर डॉक्टर भी ये सब देख के घबरा गया। उन्होंने मेरी माँ को अस्पताल में ही भर्ती कर दिया। मैं बुरी तरह से परेशान थी कि ना जाने मेरी माँ को क्या हो गया है और वह कब तक ठीक होंगी। और अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो उसे देखकर मैं फूट फूट के रोने लगी, क्योंकि मेरी माँ को कैंसर था। अब उनका इलाज मुमकिन था लेकिन ये इलाज बहुत महंगा था और इसके लिए बहुत से पैसे चाहिए थे जो कि मेरे पास नहीं थे। मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं। आज राखी मेरे पास आई तो वह बहुत खुश लग रही थी, मगर उसने जब मेरे चेहरे पर नज़र डाली तो परेशान हो गई और मुझसे उदासी के बारे में पूछा। तो मैंने उसे सारी बात बताई। मैं अब बुरी तरह से रोना शुरू कर चुकी थी। वह मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करने की कोशिश करती हूँ। नहीं नहीं, तुम अपने पति या जेठ से पैसे मांगोगी तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम मेरी दीदी जैसी हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा पति किसी बात पर तुम्हें ताना दे। राखी यहाँ से वापस चली गई और फिर अगले दिन जब आई तो वह एक ऐसी अनोखी बात कही जो सुनकर मैं उसे देखती ही रह गई। तब वह मुझसे नज़र चुरा कर कहने लगी कि इसमें तुम्हारा ही फायदा है, अगर तुम इस बात को मान लोगी तो तुम ही फायदे में रहोगी और मुझे भी फायदा होगा और मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तुम जानती हो ना कि मैं किस तरह उदास हूँ। तुम मेरे पति से ब्याह कर लो और एक बच्चा दे दो और तुम्हारी जब मर्जी होगी तो मेरे पति को छोड़ देना, मगर एक बात मेरी ये बात मान लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं रो पड़ी थी। मेरी सहेली ने मेरे साथ ये क्या किया था। वह मेरी मदद करना चाहती तो कर सकती थी, मगर उसने मेरे साथ सौदा किया। उसने ऐसा क्यों किया, उसने अपनी दोस्ती को बेच दिया। मैं जितना सोचते जा रही थी उतना ही मेरे दिल में दुख बढ़ता जा रहा था। एक तरफ तो मेरी माता थी जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती, और दूसरी तरफ मोहन की मोहब्बत थी और मुझे उन दोनों में से किसी एक को चुनना था और एक को कुर्बानी देनी थी। तब मैंने सोचा कि मुझे अपनी माँ के ज़िंदगी के लिए रजामंदी का इजहार कर देना चाहिए, लेकिन मगर मैं क्या जानती थी कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। आज जब मुझे मेरे अपने पति के चेहरे पर नज़र पड़ी तो ये देखकर मेरे चीख निकल गई, क्योंकि मेरे सामने मेरे पति के रूप में चंदन था। उसे उस वक्त मैं अपने कमरे में देखकर बुरी तरह से चिल्लाने लगी। तभी वह अपने जगह से उठा और मेरे मुंह पे हाथ रख के कहने लगा कि आधी रात को शोर मत मचाओ, सब लोग सुनेंगे, घर में नौकर भी हैं और तुम्हारा आधी रात को ऐसे चिल्लाना ठीक नहीं है। उसके बाद मैं फूट फूट के रोने लगी और उससे कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरी माने कि तुम रात के इस वक्त मेरे कमरे में हो। जानते हो कि तुमने कितने बड़ी गुनाह किया है, अगर मेरे पति को पता चला तो क्या होगा। वह खामोशी से मेरे चेहरे की ओर देखता जा रहा था। मैं उसे बहुत बुरा भला कर रही थी। तब वह कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद मैं अपने बिस्तर पे गिर के रोती रही और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। अगर मेरे पति को पता चला तो क्या, ना जाने वो मेरे साथ क्या करेंगे।
और ये बात मैं राखी को भी नहीं बता सकती थी, ये मेरे ससुराल का मामला था और राखी को बताने का मतलब था कि ये बात मेरे पति तक पहुंच ही सकती थी और मैं उसके दिल में अपने लिए किसी किस्म का शक पैदा नहीं करना चाहती थी। फिर माँ ने कॉल किया और कहा कि आज मेरी तबीयत खराब है, तुम आज मेरे पास आकर रुक जाओ। राखी ने मुझे वो पैसे दिए जो मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे देने का वादा किया था और जब मैं पैसे लेके घर आई तो मेरी माँ की तबीयत खराब थी। मैं उसी समय उन्हें लेके हॉस्पिटल गई। चूँकि मेरे पास बहुत सारे पैसे थे इसलिए मैं खुले दिल से माँ का इलाज करा रही थी और बबीता राखी ने कहा कि अब तुम चाहो जितने दिन उनके पास रह सकती हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम इस बात पे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और जब मैंने अपने पति से बात की तो उन्होंने भी मुझे हौसला दिया और कहने लगे कि फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लेना। राखी और मेरे पति दोनों ही माँ को देखने के लिए आए और मेरा दिल राखी को देखकर उदास हो गया था। मैं उसके गले मिलकर रोने लगी। मैं अभी बहुत परेशान थी और जिस तरह के हालात से गुजर रही थी उसके बारे में ना तो मैं पति को बता सकती थी और ना ही राखी को बता सकती थी। जब भी वह सब कुछ मुझे याद आते थे तो मैं खौफ से कांप जाती थी। अगर मेरे पति को पता चलता तो ना जाने वह मुझे अपनी ज़िंदगी से ही निकाल देते और ये सोचना ही मेरे लिए बहुत था। मगर अब मैंने सब कुछ भुलाकर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दिया था अपनी माँ पर और उनका इलाज कराने की हर एक प्रयास कर रही थी और डॉक्टर को भी इस बारे में आगाह किया था कि मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरी माँ की इलाज करने में कोई कोताही मत बरतिएगा। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट किए और मुझे उम्मीद था कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और पहले की तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगेंगी। मगर एक दिन डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बैठाया और मुझे पीने के लिए पानी दिया और मुझसे कहने लगे कि हम आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं। ये बात बताते हुए मुझे भी दुख हो रहा है कि हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद भी आपकी माँ को नहीं बचा पा रहे हैं, उनकी बीमारी अब बहुत आगे बढ़ गई है और उनका कैंसर आखिरी स्टेज पर है, अब उनका इलाज नामुमकिन है। अगर वक्त पर उनका इलाज करा दिया जाता तो शायद ठीक हो जाती, उनका चांस था, लेकिन अब हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हम आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहते। ये सुनकर बहुत बुरी तरह से रो पड़ी और खुद को बहुत मुश्किल से संभाल कर अपने माँ के पास गई और मैंने उन्हें किसी भी बात का एहसास नहीं होने दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही थी और डॉक्टर को भी मैंने कहा कि आप अपनी हर मुमकिन कोशिश करें और मेरी माता जी को बचा लें। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। राखी और मेरे पति दोनों ही माँ को देखने के लिए आते थे। राखी मुझे हौसला देती और उसका साथ पाकर मैं बहुत अच्छा लगता। फिर 2-3-4 बार मेरा जेठ भी मुझे माँ को देखने के लिए आया था। वह जब भी आता तो मुझे बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से देखता रहता था और मेरी माँ को भी देखने आने लगा था वह भी, और कितनी कितनी देर तक वह उनसे बैठ के बातें करता रहता और मेरी माता का भी दिल उनके साथ बहल जाता, वह उनके साथ इधर उधर की बातें करता। अब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह बंदा दिल का बहुत अच्छा था और अब मेरे दिल में उसके लिए नरम जज्बात पैदा होने लगे थे। मेरी माँ भी उसे बहुत पसंद करती थी और वह मुझे कहती थी कि अगर इसके साथ ये हादसा पेश ना आया होता तो इस तरह कोई दूसरा इंसान ही नहीं था, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, लोग तो शक्ल सूरत देखते हैं लेकिन इसमें इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, ये तो इस हादसे के बाद से बदसूरत हो गया है। और मुझे दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मैंने उस इंसान को समझने की कोशिश नहीं की थी और उसे देखकर फैसला कर लिया था कि जितना वह देखने में भयानक है उतना ही अंदर से भी बुरा होगा। अब मेरी माँ की तबीयत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनके लिए अस्पताल में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती थी और ये सारी भाग दौड़ चंदन ही करता था और मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता था कि कौन सा टेस्ट कहाँ पर करवाना है, इस डॉक्टर को कब बुलाना है, और ये सब सारा कुछ चंदन ही करता था। और मैं ये अब दिल ही दिल में उसके एहसान मंद थी, लेकिन इस सब से भी कुछ हासिल नहीं हुआ था और मेरी माँ एक दिन रोते हुए छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी और अब मैं बिखर के रह गई थी। ऐसे वक्त में राखी ही थी जिसने मुझे सहारा दिया था और वह कहने लगी कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है और ईश्वर उनको अपने पास अच्छी जगह पर रखेगा, तुम उनके लिए परेशान ना हुआ करो, तुमने जो भी पूजा पाठ किया है उसके लिए उन्हें शांति मिलेगी। और अब मैं ज़्यादा समय पूजा में गुजारने लगी थी।
ताकि मुझे भी कुछ शांति और सुकून मिल सके। काफ़ी दिन से मैं माँ के ही घर में थी और उनके तस्वीरों को देखती रहती और कई कई घंटे उनके कमरे में बैठी रहती थी और उनसे बातें करते रहती थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसे में राखी और मेरे पति घर आते तो मुझे हौसला देते और साथ चलने के लिए कहते, तो मैं उन्हें कुछ दिन के बाद चलने के लिए कह दे के टाल देती। मेरा जेठ भी रोजाना घर में आने लगा था और कई कई घंटों तक बैठा रहता और मेरे चेहरे की तरफ देखता रहता था, मगर मैं उसकी अच्छाई के कायल होने के बावजूद भी उसकी चेहरे की तरफ नहीं देख पाती थी, क्योंकि उसे देखकर मुझे खौफ का एहसास होता था। वह इस चीज़ को समझते हुए भी मेरे पास काफ़ी सारा समय गुजार के चला जाता था। अब मैंने राखी में एक अजीब सी तब्दीली नोट की थी। उसका जिस्म बड़ा बड़ा सा लगने लगा था और वह पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी और मेरे पति भी खुश रहने लगे थे। और जब मैंने राखी से बात की और खुशी की वजह पूछी तो वह मुझे टाल दिया करती थी। ना जाने मुझे क्यों ऐसा लगता था कि वह मुझसे कुछ छुपा रही थी, कोई ऐसी बात थी जो मेरे सामने होते हुए भी नज़र नहीं आ रही थी, मगर वह बात क्या थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। और जब काफ़ी सारा दिन बीत गए तो मैंने वापस जाने के बारे में सोच लिया और फिर फैसला किया कि अब मुझे अपने घर ही जाना पड़ेगा। मुझे दिल ही दिल में इस बात का भी दुख था कि मैंने शादी करने में जल्दी कर दी थी। ये शादी तो मैंने अपनी माँ के वह कारण ही की थी, लेकिन ऐसा करके भी उनकी जान नहीं बचा पाई। अगर आज मैं राखी के पति के साथ शादी ना करती तो मोहन को हासिल कर लेती और दोनों एक साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार लेते, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं था। और फिर जब मैं कुछ दिन के बाद घर गई तो राखी ने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया और फिर रूटीन वाली ज़िंदगी शुरू हो गई थी। अभी भी मेरे पति कमरे में आने के बाद लाइट ऑफ कर दिया करते थे, मगर चूंकि उस दिन का खौफ मुझ में सवार था इसीलिए मैंने अपने पति को साफ तौर पर कह दिया कि आज के बाद मैं कमरे की लाइट ऑफ नहीं करूंगी। ये सुनकर वह हैरान रह गए। तब मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ एक ऐसा हादसा गुजर चुका है जो मैं आपको चाहकर भी नहीं बता सकती, लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कभी मुझसे पूछेंगे नहीं। और फिर मेरे पति कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद 4 दिन गुजर गए और अभी तक मेरे पति रात को कमरे में नहीं आए थे और इस बात पे मुझे हैरत होती थी कि आखिर उन्हें लाइट ऑफ करने के बाद पर ऐतराज़ क्यों था। मुझे दिल ही दिल में शक होने लगा कि कहीं कुछ और बात तो नहीं थी और जो कुछ मैंने उस दिन देखा था वह क्या था और मेरा जेठ मेरे कमरे में उस दिन क्या कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं रोजाना ही मेरे जेठ ही पति के बजाय आ जाता हो। ये सोचकर मेरी तो रूह कांप गई थी। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। मैं राखी के साथ डॉक्टर के पास आई तो मुझे चेकअप करने के बाद राखी से कहने लगी कि भगवान ने चाहा तो आप दोनों को बेटा अदा करेगी और आपको देख के लग रहा है कि आपको बेटा ही होगा। ये सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था और राखी की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया था। राखी घबरा गई थी। मैंने राखी से पूछा कि डॉक्टर ये सब क्या कह रही हैं। वह मुझे कहने लगी कि तुम मुझे घर चलो, मैं तुम्हें घर ले जाकर सब सच बताती हूँ। और जब तक हम लोग घर आए तो मैं यही सोचते सोचते परेशान हो गई थी। और घर आने के बाद राखी कहने लगी कि डॉक्टर को गलतफहमी हुई होगी, वह ना जाने किस वजह से ये बात कह रही होगी। हालांकि यह जानती थी कि मेरी शादी को इतने साल गुजर चुके हैं और अभी तक मेरे बच्चे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। और कुछ दिनों के बाद राखी की तबीयत ऐसी हो गई थी जिसको मैं चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उसका पेट बाहर निकलने लगा था और उसकी खुशी देख के यकीनन ऐसा लगता था कि उसकी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी, शायद वह माँ बनने वाली थी। लेकिन मुझसे वह ये बात क्यों छिपा रही थी मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी। और एक दिन मैंने उसे अपने पति से बात करते हुए सुन लिया तो सीधा कमरे में चली गई और कहने लगी कि सच सच बताओ क्या ड्रामा है, तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई है कि माँ बनने वाली हो। अगर तुम्हें औलाद की खुशी मिलने वाली थी तो तुम मुझे अपने पति की शादी मुझसे क्यों करवाई। मेरी बात सुनकर वह दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। तभी राखी कहने लगी कि इससे ज़्यादा वक्त तक हम सच नहीं छुपा सकते और एक ना एक दिन तो इसे सच का पता चलना ही था, तो क्यों ना आज ही हम इसको सारी सच्चाई बता दें। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मुझे ऐसा लगने लगा वह मुझे कोई ऐसी बात बताने वाले हैं जो जिसे सुनकर मेरे होश उड़ जाएंगे। तब उन दोनों ने मुझे अपने पास बैठने को कहा और जब मैं उनके पास बैठ गई तो वह कहने लगी कि चंदन छोटा सा था तो बहुत प्यारा बच्चा था और वह
गोरा चिट्टा सा था और उसे देखकर हर एक कोई प्यार करता था। एक दिन वह बाबू के साथ मेले पे गया था और फिर वह बाबू के हाथ से हाथ छोड़ाकर भागने लगा था और एक जगह पे ठोकर खा के गिर गया था और उसका चेहरा जलते हुए तेल के कढ़ाई में चला गया था, जिसकी वजह से उसका चेहरा पूरा झुलस गया था। उसी समय उसके डॉक्टर के पास ले जाया गया, उसके इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा ठीक नहीं हो पाया और डॉक्टर का कहना था कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब वह बड़ा हो जाएगा तो सर्जरी की मदद से चेहरा को ठीक किया जा सकता है। ये सुनकर दोनों माता पिता अपने होश खो बैठे और उनके पास डॉक्टर की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं बैठा था। और जब बड़ा होने के बाद उसे सर्जरी के लिए ले जाया गया तो तमाम डॉक्टरों ने सर्जरी करने से मना कर दिया और उनका कहना था कि चंदन का चेहरा अब कभी ठीक नहीं होगा और अगर सर्जरी कराई गई तो उसका चेहरा और भी बिगड़ सकता है। ये सुनकर हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। चंदन का कहना था कि वह जैसा भी नज़र आता है ठीक है, लेकिन उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर कोई का सोच ऐसी ही नहीं होती है। उसके लिए रिश्ता देखा जाता था तो लड़की देख कर इनकार कर देती थी। उसका रुपया पैसा कोई भी उसके काम नहीं आया था। उसकी शक्ल सूरत को बुनियाद बनाकर लड़कियां उसे नफरत से मुंह मोड़ लिया करती थी। यहाँ तक उसे एक लड़की से प्यार भी हो गया था और वह लड़की के लिए जान भी दे सकता था, मगर वह लड़की शक्ल देखने को तैयार नहीं थी। और हमारी शादी पर भी तुम्हें देखा था, तुम्हें देख कर तुम पर दिल हार गया था और वह तुमसे शादी करना चाहता था, मगर हम ये जानते थे कि तुम भी बाड़की लकड़ियों की लड़कियों की तरह देख के नज़र फेर लोगी और तुम्हारे बारे में ये भी पता था कि तुम मोहन को पसंद करती हो और यकीनन तुम दोनों शादी भी करने वाले थे। मैं जब भी राखी से तुम बारे में इस चीज़ से कहता तो तुम कभी भी नहीं मानोगी। आप कोई लव लड़की अपने भाई के लिए देख लो। और फिर उस दिन जब राखी ने मुझे तुम्हारे मास्टर जी के बारे में बताया तो मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने राखी से कहा कि वह तुमसे बात करे और इस तरह से ट्रैप करने की कोशिश करे, हो सकता है ऐसे ही तुम हमारी बातों में आ जाओ। और ऐसा ही हुआ था जैसा मैंने सोचा था। राखी ने तुम्हें जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया था क्योंकि उस समय तुम खुद भी जज्बात में बहकर यह फैसला कर गई थी और तुम यह शादी कर लिया और राखी की ज़िंदगी में तुम्हारी वजह से बाहर आई है, तो तुम इसकी मदद करो। मैंने राखी को इस बात से मना किया था कि वह तुमसे किशन के बजाय मेरा जिक्र करे और ऐसा ही हुआ क्योंकि इन दिनों हमें अब औलाद की खुशी की खबर मिल गई थी और मैंने राखी को खुद ही मना किया था कि वह तुम्हें ये बात ना बताए। उस दिन जब तुमने चंदन को देख लिया था तो हम इस बात से डर गए थे कि शायद तुम कभी भी दोबारा वापस ना आओ, शायद तुम हकीकत तक पहुंच जाओ, लेकिन तुम सच जान कर भी अनजान रही थी। और अब हम तुमसे सच को छिपा नहीं सकते। तुम्हारी शादी मुझसे नहीं बल्कि चंदन के साथ हुई थी और ये हकीकत तुम्हारी माता जी भी जानती थी। और ये सब सुनकर मेरा मुँह खुला का खुला रह गया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हुआ था और मुझे राखी पे गुस्सा था कि वह मुझे सब सच बता सकती थी, लेकिन मैं उस वक्त बहुत मजबूर थी और मैं कोई भी फैसला कर सकती थी, उसके जेठ के साथ भी शादी कर सकती थी। और वैसे भी मैं जान गई थी कि शक्ल सूरत कुछ भी नहीं होता, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। यकीनन मेरे पति का दिल बहुत अच्छा था और वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे और फिर मेरी माँ भी तो उन्हें पसंद करती थी। यकीनन मेरी माँ ने उनकी अच्छाई को देख लिया था और धीरे धीरे मैंने भी इस रिश्ते को कबूल कर लिया तो मेरे पति इस बात पे कबूल थे और वह मेरा शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थकते थे कि वह मेरी ज़िंदगी में शामिल होकर उनकी ज़िंदगी में बाहर लेकर आई है। और राखी भी वह बहुत खुश थी क्योंकि मैंने उनकी फैसले की लाज रख ली और हम दोनों एक ही घर में सहेलियों की तरह रहने लगे। कुछ समय के बाद भगवान ने हम दोनों को बेटा दिया और हम दोनों इस बात से खुश थे कि हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई और मेरी ज़िंदगी में जो भी कमी थी वह दूर हो गई थी और अब मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी मलाल नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।